ग्रीडिंग्स ऑफ द डे दिस इज़ नीतू योर एल्गा नाइन टीचर फ्रॉम बाल भारती विद्यापीठ स्कूल गोहाना इन रीडिंग एंड लिसनिंग कंप्रीहेंशन सेशन टुडे वी विल रीड वन मोर स्टोरी इट्स नेम इज़ समीरा लव्ज़ हॉकी समीरा को हॉकी खेलना पसंद है दिस इज़ रिटन बाय नमिता गोयल द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ समीरा समीरा लव टू तो प्ले हॉकी समीरा को हॉकी खेलना बहुत ही पसंद था शी यूजली प्लेड विद हर टू ओल्डर ब्रदर्स जावेद एंड फ़रहान आम तौर पर समीरा अपने दो ब्रदर्स जावेद और फरहान के साथ हॉकी खेलती थी ऑल थ्री वेंट टू द सेम स्कूल तीनों एक ही स्कूल में जाते थे फ़रहान एंड जावेद वर पार्ट ऑफ द स्कूल हॉकी टीम फरहान और जावेद स्कूल की हॉकी टीम का पार्ट भी थे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि तीनों ब्रदर सिस्टर्स एक ही स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर हॉकी की प्रैक्टिस भी करते हैं इन स्कूल समीरा साहर ब्रदर्स लुकिंग अपसेट एक दिन स्कूल में समीरा ने अपने दोनों ब्रदर्स को उदास देखा अपसेट देखा वट हैपन टू बॉथ ऑफ यू शियाड आप दोनों को क्या हुआ उसने पूछा वी हैव एन इंटर स्कूल हॉकी कम्पिटिशन नेक्स्ट वीक हमारा इंटर स्कूल हॉकी कम्पिटिशन है नेक्स्ट वीक वी नीड वन मोर प्लेयर टू पार्टिसिपेट दिस सैड सैडली और हमें एक और प्लेयर की नीड है पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने यह बात उदासी से समीरा को कही समीरा थॉट अबाउट इट एंड सेड समीरा ने इस बारे में सोचा और कहा आई विल प्ले फॉर यू मैं आपके लिए खेलूंगी जावेद एंड फरहान टू खर टू द कोच समीरा की ये बात सुनकर जावेद और फरहान उसको कोच के पास लेकर गए द कोच सैड कोच ने कहा डी इवन नो हाउ टू प्ले हॉकी क्या समीरा को पता भी है हॉकी कैसे खेलते हैं ऑन हियरिंग दिस ये बात सुनकर समीरा है टीयर्स इन हर आइज़ समीरा की आँखों में आंसू आ गए क्यों क्योंकि समीरा हॉकी की बहुत ही अच्छी प्लेयर थी और उसको हॉकी खेलना बहुत पसंद था बट यह बात कोच को नहीं पता थी इसीलिए उन्होंने समीरा के लिए कहा कि इसको पता है हॉकी कैसे खेलते हैं हाउ एवर वी नीड वन प्लेयर टू पार्टिसिपेट बट हमें तो खेलने के लिए एक और प्लेयर की ज़रूरत है इट डजेंट मैटर इवन इफ शी डजेंट गेट द बॉल कोच एडेड कोच कोच ने कहा कि कोई बात नहीं अगर कोई बॉल नहीं भी करती समीरा इट मीन्स कि अगर वो अच्छे से नहीं खेल पाती कोई बात नहीं हमें तो एक प्लेयर की नीड है और उस नीड को पूरा करने के लिए समीरा को हम ऐड कर सकते हैं अपनी टीम में ऑन द डे ऑफ द गेम और जिस दिन मैच होना था एवरी वन वॉज़ नर्वस हर कोई परेशान था ड्यूरिंग द गेम नो वन पास द बॉल टू समीरा और मैच के दौरान कोई भी समीरा को बॉल पास नहीं कर रहा था क्योंकि सभी को ऐसा लगता था कि समीरा को हॉकी खेलना नहीं आता बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ बॉ टीम्स हैड स्कोर्ड अ गोल फर्स्ट हाफ़ में दोनों टीम्स ने स्कोर किए गोल्स। इन द सेकेंड हाफ बट सेकेंड हाफ़ में बहुत द टीम स्ट्रगल टू स्कोर अ गोल दोनों टीम्स को स्ट्रगल करनी पड़ी गोल के लिए समीरा डिसाइडेड टू हेल्प हर टीम समीरा ने अपनी टीम की हेल्प करने के लिए डिसाइड किया शी मोव क्लोजर टू द गोल और गोल के बिल्कुल पास पहुंच गई वन ऑफ द अदर टीम्स प्लेयर्स पास द बॉल टू हिस्स गोल कीपर दूसरी टीम के प्लेयर्स में से एक प्लेयर ने अपने गोल कीपर को बॉल पास की समीरा रेंट वॉर्स द बॉल विद हर स्टिक और समीरा अपनी हॉकी स्टिक लेकर तेज गति से दौड़ती है बॉल की तरफ शी हिट द बॉल हॉर्डिंग टू द गोल और अपनी स्टिक से वो हिट कर देती है बॉल को द रेफरी ब्ल्यू दिसल टाइम वॉज अप और इसके साथ ही रेफरी की विसल के साथ मैच का एंड होता है समीरा स्कूल टीम वॉन द गेम और समीरा के स्कूल की टीम समीरा की मेहनत के कारण मैच को जीत जाती है यू डिड अ ग्रेट जॉब आपने बहुत अच्छा काम किया है यू प्लेड हॉकी रियली वेल सेड कोच आप बहुत अच्छे से हॉकी गेम को आपने खेला है कोच ने यह बात भी कही समीरा को और इस बात के लिए शाबाश दी तो कोच को अब पता चलता है एंड में कि समीरा कितनी अच्छी प्लेयर है इस गेम की सो स्टूडेंट्स दिस स्टोरी वॉज़ रिलेटेड टू द गर्ल समीरा एंड हर टू ब्रदर्स ये कहानी जो हमने अभी रीड की है समीरा और उसके दो ब्रदर्स से रिलेटेड थी कैसे समीरा ने हार्ड वर्क किया अपनी टीम के लिए और उसकी टीम जीत भी गई ऐसे ही हमें भी मेहनत करनी है हमेशा ही और अपने गोल पे आगे बढ़ना है सो नाउ लेट्स रीड सम वैबरी वर्ड्स ऑफ दिस स्टोरी अभी हम इस स्टोरी के कुछ वोकेबरी वर्ड्स रीड करेंगे फर्स्ट वर्ड अपसेट बींग सैड उदास होना सेकेंड कंपिटिशन टीम्स और पीपल प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर टू विन जब लोग एक दूसरे के अपोजिट प्ले करते हैं जीतने के लिए पार्टिसिपेट टू टेक पार्ट इन समथिंग किसी चीज़ में भाग लेना टीयर्स वॉटर दैट कम्स आउट ऑफ द आइज वैन समन क्राइज जब कोई रोता है तब जो आँखों से पानी आता है विसल अ स्मॉल मैटर और प्लास्टिक ट्यूब दैट मेक्स अ लाउड नॉइज वैन यू ग्लो इन टू इट विसल हम सी टी को बोलते हैं ओके थैंक यू